एंड इस बार हेलकर वैक्स को भाई खतरनाक थप्पड़ हमारे मुंह पे भी मारा गया ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर के द्वारा। खतरनाक थप्पड़ हेलकर वैक्स को हरा पाया ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर। सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम लोग करेंगे बैटल हेडिस करवैक्स वर्सेस ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर एंड देखेंगे दोनों में कौन जीतेगा। मुझे तो लगता है हेडिस करवैक्स जीतेगा। आप बताना कमेंट करके आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। एंड गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ एंड बेबलेट कम्युनिटी को थोड़ा और आगे बढ़ा दो। सो बिना किसी तरीके लेट स्टार्ट द बैटल। तो गाइज हम लोग करेंगे 6 राउंड का बैटल। जो जितने राउंड्स जीतेगा वो होगा विनर, पॉइंट्स नहीं गाइज, राउंड्स। ठीक है, सो पहला लॉन्च करते हैं हेडिस करबैक्स को क्योंकि इसका स्टैमिना ज़्यादा है ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर से। 3-2-1 गो शूट, 3-2-1 गो शूट एंड देखते हैं क्या हेडिस करबैक्स को हरा पाया ग्रेविटी को हरा पाया ग्रेविटी को हरा पाया डिस्ट्रॉयर एंड नॉकआउट कर दिया हेडिस करबैक्स को पहले ही राउंड में। ओ भाई साहब, ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं लगा था कि नॉकआउट कर देगा इतने आसानी से। ये इसका जो मेटल व्हील है, ये फ्यूजन व्हील हॉलो, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रिकॉइल जनरेट होता है, इसी वजह से नॉकआउट हो गया अपना हेडिस करबैक्स। सो गाइस, एक पॉइंट यानी कि एक राउंड जीतता है अपना ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर। सो करते हैं अगले के राउंड्स। 3-2-1 गो शूट, 3-2-1 गो शूट इस बार नॉकआउट कर दिया ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर को हेडिस करवैक्स ने। सो गाइस, अपने हेडिस करवैक्स ने ले लिया है बदला ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर से। लॉन्च होते ही साथ नॉकआउट कर दिया ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर को हेडिस करवैक्स ने। सो करवैक्स ने भी जीत लिया है एक राउंड। सो देखते आगे के राउंड्स कौन जीतेगा। जो ज्यादा राउंड जीतेगा 6 राउंड में से वो होगा विनर। 3-2-1 गो शूट, 3-2-1 गो शूट। सो गाइस, देखते इस बार क्या होता है। छोटे मोटे कॉन्टैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं हमें। अगर अच्छे से कॉन्टैक्ट हो पाया तो कोई ना कोई तो नॉकआउट हो ही जाएगा, इतना भरोसा तो है मुझे इन दोनों पे। सो गाइस, अभी भी दोनों एकदम ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखा रहे, अभी थोड़े थोड़े छोटे छोटे अटैक्स से काम चल रहा है। देखते बड़े अटैक्स जब आएंगे तब क्या होगा ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर का या फिर हेडिस करबैक्स का, क्योंकि दोनों ही लगभग लगभग सेम परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन हेडिस करबैक्स का वेट एंड स्टैमिना ज़्यादा है ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर से। यही एक डिसएडवांटेज है ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर को अपने हेडिस करबैक्स के सामने। एंड देख सकते हो हेडिस करबैक्स ने अपना स्टैमिना का जलवा दिखा दिया और एक और राउंड जीत लिया। सो गाइस, चलिए करते हैं एक और राउंड। सो पहले करते हैं लॉन्च इस बार हेडिस को हर बार की तरह। 3-2-1 गो शूट एंड ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर, 3-2-1 गो शूट एंड लेट्स सी गो शूट क्या होता है भाई ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर को उठा के पटक दिया एकदम अपने हेडिस करबैक्स ने। देख सकते हो भाई ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर को एकदम पंच नॉकआउट कर दिया है इसी के साथ। 3 राउंड लगातार, शायद से लगातार नहीं, फिर भी 3 राउंड जीता हेडिस करबैक्स ने, 1 राउंड जीता है अपने ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर ने। सो गाइस, करते हैं अगले के राउंड्स। मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है गाइस, सो पूरा देखना वीडियो। 3-2-1 गो शूट गाइस, जैसा कि मुझे लगा था ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर के ऊपर भारी पड़ेगा हेडिस करबैक्स, वैसा ही हो रहा है, लेकिन देखते गाइस कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा आखिर तक। खूब 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 तगड़े अटैक्स एंड देखते क्या होता है गाइस। एंड ये अपना ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर अभी तक कुछ नहीं कर पाया, तो स्टैमिना में तो ऑब्वियस ही बात है नहीं हरा पाएगा ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर अपने हेडिस करबैक्स को या फिर हेल डॉग को, हेल करबैक्स को, करबियस को, जो भी बोल लो। एंड इसी के साथ एक और राउंड गाइस, 4 राउंड जीत लिया है हेडिस करबैक्स ने। ओ भाई साहब, हेडिस करबैक्स ने अपना जलवा दिखा दिया है, लेकिन ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर अभी तक अपना जलवा दिखा नहीं पाया। पहले राउंड में शॉकिंगली नॉकआउट कर दिया था, लेकिन अभी तक एक भी नॉकआउट नहीं कर पाया फिर। सो गाइस, देखते आगे क्या होता है। 3-2-1 गो शूट, गो शूट
एंड गाइस काफी तगड़ा अटैक एंड नॉकआउट होते होते रह गया हेड स्करबैक्स। ओ भाई क्या कमाल का अटैक था, लेकिन नॉकआउट नहीं हुआ हेड स्करबैक्स का, किस्मत चमक गया गाइस। एंड ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर का किस्मत डिस्ट्रॉय होते जा रहा है उसी की नाम की तरह। सो देखते हैं क्या ग्रेविटी पर्शियस या फिर ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर हेल्प करबियस या फिर हेड स्करबैक्स को हरा पाएगा या फिर नहीं। चार चार नाम ले लिए मैंने, देख सकते हो गाइस। और भाई क्या ही बोले, अब देखो गाइस बैटल को देखते रहो बस। हेड स्करबैक्स का जलवा एक तरफा बैटल कर दिया है, वाह कविता बन गया है। हेड स्करबैक्स का जलवा बैटल हो गया एक तरफा, राइम नहीं बना फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं गाइस। पांच राउंड जीत लिया है हेड स्करबैक्स ने, ओ माय गॉड। सो हेड स्करबैक्स बस एक राउंड से पीछे है इस मैच को, इस टूर्नामेंट को, जो भी बोल लो जीतने के लिए। सो गाइस देखते हैं क्या ग्रैब डिस्ट्रॉयर आखिर में जाकर कुछ कर पाएगा या फिर नहीं। गो शूट एंड ये ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। इसी के साथ मुझे लगता है यही पर अपना बैटल एंड हो जाएगा। एंड भाई फिर से धक्का मार के बाहर फेंक दिया है हेड स्करबैक्स ने ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर को गाइस। सो देख सकते हो भाई, अब क्या ही बोलूं मैं हेड स्करबैक्स के जलवे। सो देख सकते हो भाई हरा दिया है अपने ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर को बड़ी ही इजीली। सो गाइस कोई बात नहीं, अभी दो बोनस राउंड्स करते हैं, अपना विनर तो है हेड स्करबैक्स, फिर भी एक दो बोनस राउंड करते हैं तगड़े वाले। इस बार लेफ्ट स्पिन करेंगे हम ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर को एंड राइट स्पिन करेंगे हेड स्करबैक्स को, फिर देखते क्या होता है। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। 3, 2, 1 चक्कर दे चक्कर एंड ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर को मैंने किया है लेफ्ट स्पिन में, देखते ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर कुछ जलवा दिखा पाएगा या फिर नहीं। लेकिन नहीं गाइस, लेफ्ट हो या राइट, ईस्ट और वेस्ट, अपना हेल करबैक्स है बेस्ट। सो गाइस देख सकते हो हेल करबैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई लेफ्ट स्पिन हो या फिर राइट स्पिन हो। कोई भाई रुको, लॉन्च में गड़बड़ी, ओह माय गॉड। सो जैसा कि मैं कह रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हेल करबैक्स को भाई, लेफ्ट आ जाए या फिर राइट आ जाए। एंड इस बार हेल करबैक्स को भाई खतरनाक थप्पड़ हमारे मुंह पे भी मारा गया ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर के द्वारा, खतरनाक थप्पड़ देख सकते हो। एंड भाई बस और क्या ही मैं करूँ, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अपने विनर को लाने दो मुझे पहले। तो अपना विनर है आज का हेल करबैक्स या फिर हेड स्करबियस, जो भी बोल लो यार, जो भी है। तो चलो जीत गया ये एंड अपना हार गया, नहीं तो जीत जाता शायद से ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड हैप्पी ब्लेंडिंग। गाइस सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, हाँ ठीक है, बाय।